Hello, good morning everyone. Warm welcome to this channel. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. और आज particular session में हम discuss करेंगे digestive glands. तो हमारे शरीर में कौन कौन से digestive glands हैं उनके बारे में discuss होगा आज. So, the digestive gland is what? The salivary gland, liver, pancreas, है ना? इनके बारे में बहुत एक तह तक discussion करेंगे. Okay, so शुरू करते हैं. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज अ सलाइवरी ग्लैंड, है ना, जो माउथ के अंदर होता है. लिवर, पैंक्रियाज, ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं. इनका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है. स्टार्ट विद द सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. द पैरोटिड, जो कि एक लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है. दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन द बॉडी. सब एक्सिलरी, सब मैंडिबुलर. सब का मतलब होता है नीचे. सब का मतलब होता है नीचे. तो ये हमारा मेंडिबल है. मेंडिबल के जस्ट नीचे जो ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर. दैट इज लोअर जॉ के ऊपर होता है. एंड सब लिंगुआ. लिंगुआ का मतलब होता है टंग. लिंगुआ इज टंग. लिंगुआ इज अ टंग. तो टंग के जो नीचे सलाइवरी ग्लैंड होता है द बिलो द टंग इज कॉल्ड सब लिंगुआ. तो तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं. द सब पैरेटिड, जो ईयर के जस्ट नीचे होते हैं, इट्स लार्जेस्ट वन. सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ, सब लिंगुआ, टंग के नीचे, राइट. दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड द सलाइवरी जूस इन टू द बकल कैविटी. सलाइवरी जूस इससे निकलता है, है ना, सलाइवरी जूस इससे निकलता है. दिस इज अ डायग्राम विच शो द वेयर द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज देयर एंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिक्रेशन होता है. कान के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा ग्लैंड है. दैट इज कॉल्ड पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड. और इससे जो डक्ट निकलता है ना, दिस इज कॉल्ड स्टिंसन्स डक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंसन्स डक्ट. स्टिंसन्स डक्ट है क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ, यस प्लीज बता सकता है कोई, सलाइवरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. यस, कोई जवाब देगा? स्मृति, ब्यूटी, नीरज, ए टू, फनफेस, बताओ. शिवानीगी, रूपांजलि, सानिया, पूजा, बताइए. कविता जी, डॉक्टर पूजा, सोनम, कविता, बताइए. तो हेलो सुप्रिया, बताइए कौन सा ग्लैंड है. इट्स अ एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. वेरी गुड. इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड हैविंग द डक्ट. इनके ऊपर क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है. एक्सोक्राइन के ऊपर क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. सब लिंगुअल डक्ट देख रहे हैं. तो सब लिंगुअल डक्ट मतलब टंग के जैसे नीचे होगा, सब लिंगुअल डक्ट इससे ओपन होगा. सब मैंडिबुलर कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ग्लैंड्स होता है. तो इनका सिक्रेशन पूरे बकल कैविटी में जाता है और सलाइवा प्रोड्यूस होता है. सलाइवा क्या करता है, फूड को मुलायम कर देता है, बोलस का फॉर्मेशन करता है. तो सलाइवा का बेसिकली काम ये होता है कि बोलस का निर्माण करना, खाने को एक थिक पेस्ट बना देता है ना, उसको मिक्स कर देता है जिससे हम बहुत इजी तरीके से निगल पाए, है ना, बहुत इजी तरीके से निगल पाए, राइट. वेरी गुड आलोक जी, बहुत बढ़िया. आकाश, ग्रेट. सो द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इज कंस्टिट्यूट द सलाइवा. इट्स नॉट अ सलाइवा, सलाइवा. सलाइवा इज स्लाइटिंग एसिडिक. आयवा क्वेश्चन है. पीएच इसका 6.8 होता है. तो सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8, एसिडिक होता है. सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. इसके अंदर पानी होता है. आप जब थूक फेंकते हो तो आपको पता चल जाता है, पत्थर तो फेंकते नहीं हो, पानी और इलेक्ट्रोलाइट होता है. इसलिए बार बार थूक फेंकना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर चले जाएंगे. सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ब्लड प्लाज्मा से ही डराइव होते हैं. तो ये आप बाहर फेंक रहे हो तो ये गलत है. ये नहीं फेंकना चाहिए, राइट, ये नहीं फेंकना चाहिए. और इससे आसपास की गंदगी भी नहीं होगी, है ना. तो दोनों तरीके से फायदेमंद है. एज अ ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ से फायदेमंद है और आसपास हमारे नेचर को पवित्र करने के लिए भी फायदेमंद है. म्यूकस एंड सीरस फ्लूड वॉटरली कंस्टिट्यूट ऑफ द सलाइवा एंड सलाइवरी अमाइलेज. इसमें जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है टाइलीन, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. कुछ लाइसोजाइम होता है. अगर आपने फूड में कुछ पैथोजन खा लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लिया है, तो उसको डाइजेस्ट करेगा. एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है. सिक्रेशन बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, आयंस एंड थायोसाइनेट आर आल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा.
आप में से कितने स्टूडेंट ये हैं कि जो बता सकते हैं कि मान लीजिए कि पड़ोसी ने आज बिरयानी बनाया है तो मेरे मुंह से पानी शुरू हो जाता है, या मैंने कहीं गोलगप्पा और पानी पूरी देखा तो मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो गया। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि मुंह से पानी आना शुरू होता है? एनीवन? यस, न्यू एस्पिरेंट ऑफिशियल काजल कश्यप, सुप्रिया कीवी, अनवर, हाँ जी स्वच्छ भारत अभियान, यस अनवर खान, बताइए ऐसा क्या होता है कि हमें मुंह से पानी आने लगता है? तो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक कमांड भेजता है सलाइवरी ग्लैंड को, और सलाइवरी ग्लैंड को जैसे ही कमांड भेजेगा तो उससे हमें सिक्रेशन हो जाएगा। कविता, अजय, यश, सुप्रिया, यस समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब 350 लोग देख रहे हैं और लाइक पता है कितना है, 40। मतलब यार ये मनोबल को कम करने वाला चीज है, अब लाइक कर दो, क्या जाता है ना? यहाँ लाइव चैट है, उसके कोने में कट मार्क है, कट मार्क पे क्लिक मारो और लाइक का ऑप्शन आएगा, लाइक मारो। मतलब समझ नहीं आ रहा है, जहां पे ये लाइव चल रहा है यहाँ पे कट मार्क है राइट साइड में, से कट मार्क मार के लाइक मारो और लाइक मार के फिर लाइव चैट को ऑन करो। मतलब यार इधर ना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या? गुड्डू जी, न्यू स्प्रिंट, सुमित, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, वेरी गुड, लाइक मारो यार, लाइक मारो, लाइक से ही तो मनोबल बढ़ता है। Secreted by the salivary gland, ion of thiocyanate are also present in saliva. अच्छा, सबको नोट्स वोट्स मिल रहे हैं ना? सबको नोट्स तो मिल रहा है, एवरीवन गेटिंग नोट्स अपडेटेड ऑल। आज मैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक भी होगा, राइट? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वीडियो के कमेंट में भी होगा, तो कोई बच्चा नोट से वंचित ना रह जाए। आप लोगों को मेहनत नहीं करना है, मेहनत आपके लिए मैंने खुद कर लिया है, बस आप पढ़ाई करिए, कंसंट्रेट होके समझिए, सीखिए और इस नोट्स को अपने फोन में रिवाइज करते रहिए, दैट्स ऑल। गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ स्टमक, एपिथेलियम के स्टमक से बनता है। द फॉलोइंग सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत सारे सेल्स एपिथेलियम ग्लैंड से बनते हैं। द चीफ सेल, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। द चीफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टिक सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जाइमोजन सेल, तीनों का नाम एक ही है, बंटी, संटी, पिंटू, होता है ना नाम, दोस्त अलग नाम से पुकारते हैं, घर वाले अलग नाम से पुकारते हैं, और है कुछ और नाम, वैसे ये तीनों नाम एक ही है, चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स, दे आर यूजली बेसल इन लोकेशन, नीचे रहते हैं, और एक गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दैट इज प्रो एंजाइम, जाइमोजन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेन, ठीक है? तो प्रो एंजाइम जैसे जाइमोजन सिक्रीट करता है, यही हमारा चीफ सेल, और पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है ना, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिवेट होगा। तो जाइमोजन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोरेनिन इज डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन, द चीफ सेल इज ऑल्सो प्रोड्यूस अ गैस्ट्रिक लाइपेज। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, या एनीवन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, बताइए रश्मि, रोशनी, धीरज, बताइए सुमित, रिशाद, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज द डिग्रेडेशन ऑफ फैट, फैट के डिग्रेडेशन को करता है, यानी थोड़ा बहुत फैट का डिग्रेडेशन यहीं से शुरू हो जाता है, राइट? गैस्ट्रिक लाइपेज कंट्रीब्यूट द लिटिड डाइजेशन ऑफ फैट। प्रोरेनिन इज सिक्रेटेड इन इन्फेंट, जब इन्फेंट को आप खिलाते हो मुल्लो गुल्लो सोना मोना, तो आपको गिफ्ट में दही दे देता है, लो दीदी, लो भैया दही ले ले जाओ, मतलब वो वॉमिट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोरेनिन होता है जो इन्फेंट सिक्रीट करता है और मिल्क को कोगुलेट करता है, इट गेट कन्वर्टेड टू द रेनिन एंड डाइजेस्ट द मिल्क, प्रो मिल्क प्रोटीन कैसिन इनटू पैरा कैसिन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में जो मिल्क होता है उसको मिल्क को, मतलब मिल्क में जो कैसिन होता है उसे पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर देता है,
और कैल्शियम में भी कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम में भी कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इट इज नॉट सिक्रेटेड इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट में हमें हमारे अंदर प्रोरेनिन सिक्रेट नहीं होता है, एडल्ट में रेनिन सिक्रेट होता है, इन्फेंट में प्रोरेनिन सिक्रेट होता है। मेरे साथ बोलेंगे आप, एडल्ट में क्या सिक्रेट होता है, पेप्सिन सिक्रेट होता है, और बच्चों में प्रोरेनिन सिक्रेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, समझ गए। चलिए अब हम ऑक्सेंट्रिक सेल और पैराइटल सेल के बारे में बात करते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऑक्सेंट्रिक सेल और पैराइटल सेल इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। सो दिस आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑन द साइड ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जब आप देखेंगे तो हर साइड पे रहता है, और सबसे न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा जो सेल होते हैं हमारे ऑक्सेंट्रिक और पैराइटल सेल ही हैं। दे आर कॉल्ड ऑक्सेंट्रिक सेल बिकॉज दे स्टेन स्ट्रांगली विद द एरोसिन। एरोसिन एक केमिकल नाम है, तो जैसे उसके उसके ऊपर एरोसिन डालेंगे तो वो स्टेन कर लेगा, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। दे आर कॉल्ड पैराइटल सेल्स, दे लाइज अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट रहता है, इसलिए पैराइटल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट वाला लाइन सबको याद होना चाहिए, दे सिक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl कौन सिक्रेट करता है, ऑक्सेंट्रिक सेल, नाम दूसरा पैराइटल सेल। HCl कौन सिक्रेट करता है, याद होना चाहिए अभी, HCl कौन सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका दूसरा नाम पैराइटल सेल। HCl क्या करेगा, HCl जो क्या करेगा, जो इनएक्टिव एंजाइम था पेप्सिनोजन, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी एंजाइम को एक्टिवेट भी कर रहा है। और अगर तुमने जलेबी खा लिया और उस जलेबी पे छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होंगे, तो उस जलेबी के छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस को भी किल करेगा। तो इस सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर से भी काफी क्वेश्चन आता है। अब इसे मुझे मजबूरन दूसरे स्लाइड पे आपको ले जाना पड़ेगा, ताकि मैं इसे आपको अच्छे तरीके से समझाऊं और बेहतर तरीके से आप समझ पाए। मान लीजिए कि आपने विटामिन B12 खाया, तो विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स कोई बता सकता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, यस प्लीज, एनीवन, या कमेंट करके आंसर बताइए, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, इज अ मीट एंड कर्ड, बस दो ही, ठीक है, विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स मीट और कर्ड। अब मीट और कर्ड आपने खाया है ना, और ये आपके स्टमक के अंदर आ गया, विटामिन बी ट्वेल्व आ गया। अब विटामिन B12 आके देख रहा है कि कौन मुझे कहीं लेके जाए, है ना, स्टमक में तो आ गया, अब इसे आगे जाना है, लिवर में जाना है, इंटेस्टाइन में जाना है, तो चुपचाप बैठा हुआ है ना। तब तक यहां से निकला है कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, तब तक यहां से निकल गया कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, और ये कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर है CIF, इसे लिख देते हैं, और इससे हेलो कर रहा है, हेलो विटामिन B12, आई एम ए कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, दोनों की दोस्ती हो गई है ना, और कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर जो है इससे दोस्ती कर लिया है। जब दोनों दोस्त बन गए तो कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 से कहता है कि विटामिन B12 चलो तुम्हें घुमा के लेके आए, स्मॉल इंटेस्टिन में घुमा के लेके आए, विटामिन B12 अब तो दोस्त है, कह रहा है कि चलो लेके चलते हैं। तो कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर जो है इसे कहां लेके आ जाएगा, इलियम के अंदर लेके आएगा, और यहीं पे इसे विटामिन B12 को छोड़ देगा, कह रहा है कि यहीं पर रुको, मैं आता हूं फिर स्टमक से। और जैसे ही विटामिन B12 इलियम के पास आएगा तो यहां पे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल पट से खींच लेगा, तो यहां पे अब्सॉर्प्शन हो जाएगा, है ना, और फिर कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर फिर से हमारे स्टमक में आ गया, फिर से विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करेगा। और ये विटामिन B12 जब ब्लड खींच के लेके आया, तो ब्लड को पता है कि सबसे जो महान ऑर्गन है हमारे शरीर में वो लिवर ही है ना, तो जाके विटामिन B12 को यहाँ पे छोड़ के आ गया और बोला कि विटामिन B12 तुम लिवर में ही रुको, यहीं पे रुको, ये बहुत बढ़िया ऑर्गन है लिवर, है ना, कभी कभी अल्कोहल का भी आनंद मिलेगा, लिवर ही काम करेगा, तो तुम यहीं पे रुको, यहीं पे मजा करो। तो जो स्टोर होता है विटामिन B12 वो कहाँ होता है बेटा, लिवर के अंदर होता है, और कितने महीने तक स्टोर हो सकता है, 6 से 12 महीने तक, है ना। तो इसलिए हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी सच ज्यादा नहीं हो पाती होती है,
और बॉडी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है विटामिन बी ट्वेल्व, क्योंकि यहीं पे स्टोर है। ये कार्यक्रम चलता रहता है और ये टेस्टल इंटरेस्ट फैक्टर काम करता रहता है। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया था नीट 2018 में कि एराइथ्रोपोइसिस के लिए इनडायरेक्टली किसका रोल होता है, तो विटामिन बी12 का होता है, क्योंकि विटामिन बी12 जो होते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन में सहायक होते हैं, है ना, आरबीसी के प्रोडक्शन में सहायक होते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर भी इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, क्योंकि यही विटामिन बी12 को, विटामिन ए वी नहीं वे बी, विटामिन बी12 को करता है। समझ में आ रही बात? तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो दे सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर विच इज ग्लाइकोप्रोटीन। बेसिकली ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और विच इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 एंड एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टीन। अब आइए जरा म्यूकस के बारे में बात करते हैं, म्यूकस के बारे में बात करते हैं। म्यूकस सेल को हम कहते हैं गॉबलेट सेल। जहां जहां गॉबलेट नजर आएगा ना, वहां पे समझो कि चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट कराएगा, है ना। जहां जहां म्यूकस आएगा, रश्मि, सुमित, न्यू एस्पिरेंट, मोहम्मद, फरहान, जहां जहां गॉबलेट आएगा वहां वहां चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट होगा, राइट। तो दिस आर द प्रेजेंट थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ एपिथीलियम एंड सिक्रीट म्यूकस। दिक्रीशन ऑफ दिस सेल्स आर फॉर्म इन गैस्ट्रिक जूस विद इन द पीएच इज 1.5 to 2.5, विच इज वेरी एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस कंटेन टू प्रो एंजाइम का मतलब इनएक्टिव एंजाइम, इट शुड बी एक्टिवेटेड फर्स्ट। द फर्स्ट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, पेप्सिनोजन नोट्स में आपको दिखाई दे देगा, टेंशन ना लो। तो पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव एंजाइम जो कि बाद में एक्टिव होगा, इसे हम प्रोपेप्सिन भी बोलते हैं, और प्रोरेनिन जो अभी हमने पढ़ा भी है, प्रोरेनिन जो इन्फेंट में एक्टिवेट रहता है। एन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस, एससीएल इसके अंदर होते हैं, गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं। एपिथीलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो हैज द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ सेल्स, द एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स विच सिक्रीट सम हार्मोन, और हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। दे आर यूजली प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दिस इज अर्जेंटाफिन सेल्स एंड जी सेल। अर्जेंटाफिन सेल सिक्रीट सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, इंपॉर्टेंट है ना। सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करेगा और हिस्टामिन भी सिक्रीट करेगा। गैस्ट्रिक सेल और जी सेल जो होते हैं ये प्रेजेंट होंगे पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, और ये गैस्ट्रीन सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रीन जो होता है मतलब कि जो फूड रहेगा उसे आगे की तरफ प्रोपेल करेगा, मतलब स्टमक से उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये स्लाइड जो है, बाय द वे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। अर्जेंटाफिन से सिक्रीट सेरोटोनिन, सोमैटोस्टेटिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रीन, और जी सेल सिक्रीट गैस्ट्रीन जो कि पाइलोरिक क्लान के ऊपर रहते हैं। सुपर चैट मारो बे सर को अनुराग। स्टेम सेल, दिस आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एपिथीलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। दे इंक्रीज द नंबर व्हेन द गैस्ट्रिक एपिथीलियम इज डैमेज एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग। हीलिंग का मतलब कि अगर अंदर ही अंदर कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो स्टेम सेल उसे हील करने में मदद करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिवर। लिवर सबसे मजबूत ऑर्गन है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में। तो एल फॉर लिवर, एल फॉर लार्जेस्ट, है ना। इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर लाइज ऑन द अपर राइट साइड, इधर के साइड। जब हम एक बार क्लीनिंग बैठे हुए थे तो एक लड़का आया, बोला कि सर लिवर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इधर नीचे छू रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पे लिवर है बे, यहाँ पे छू रहा था। मैंने कहा ये तो लेफ्ट है बे। मैंने यहां से कब से लिवर आने लगा, सर यही हो रहा है लिवर में। तो लोग
को पता नहीं है, फिर भी वो हाथ उतर रख ही देते हैं, मतलब समझ रहे हो कि वो बताएंगे आपको कि लिवर कहाँ होता है, बट इट इज लाइज अपर राइट साइड, मतलब यहाँ पे जस्ट डायफ्राम खत्म होता है तो राइट साइड में लिवर होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसका वजन जो है 1.2 टू 1.5 केजी अडल्ट ह्यूमन में होता है, लिवर आप देख पा रहे हैं। बाहर से आपको स्टमक है तो स्टमक जस्ट लेफ्ट साइड में होता है और बाहर से ऐसे दो लोब दिखाई देंगे। कोई होनहार बालक बालिका बता सकता है कि लिवर एक्सटर्नली बाइलोब होता है, तो ये बाइलोब किसके वजह से होता है? एनीवन, ब्यूटी, सौरभ, अफरीन, धीरज, एबीसी बताओ बेटा। लिवर बाइलोब होता है एक्सटर्नली, कैसे पता चलता है? एक्सटर्नली पेल्सीफॉर्म लिगामेंट में पता चलता है, पेल्सीफॉर्म लिगामेंट से पता चलता है, एक्सटर्नली हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इज है कि देयर इज अ सब्सटेंस इज कॉल्ड यूरोबिलिनोजन, कौन सा सब्सटेंस? यूरोबिलिनोजन, ए प्रोडक्ट है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बेसिकली क्या होता है कि लिवर प्रोड्यूस करता है ना, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन पीला सब्सटेंस होता है, बिलीवर्डिन ग्रीन सब्सटेंस होता है, कैसे याद करेंगे? वर्दी पुलिस वालों की ग्रीन होती है ना, तो बिली वर्डिन इज अ ग्रीन, बिली रूबिन इज अ पीला, सो यूरोबिलिनोजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ बिली रूबिन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म यूरोबिलिन, यूरोबिलिन एंड कॉमनली सेक्रेटेड थ्रू द यूरिन, इसलिए यूरिन का कलर कैसा होता है? यूरिन का कलर कैसा होता है? पीला। अगर पानी पियोगे तो नहीं होगा, बट यूजली यूरिन का कलर पीला होता है बिकॉज दिस इज द मैकेनिज्म, द यूरोबिलिनोजन इज प्रोड्यूस, दे ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड दे टर्न इनटू द यूरोबिलिन, दे कॉमनली सेक्रेटेड थ्रू यूरिन, इसलिए यूरिन का कलर जो होता है यूरिन बिकम येलो। अच्छा, फीकल मैटर भी पीला होता है ना, फीकल मैटर जो डिस्चार्ज करते हो देखना, मतलब देखे ही हो। स्टर्कोबिलिनोजन इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ यूरोबिलिनोजन विच इज इल टू ब्राउन ऑरेंज रेड स्टर्कोबिलिन, दे प्रोवाइड द कलरेशन ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई चच्चा पूछे कि बताओ पेशाब का कलर पीला क्यों होता है और फीकल मैटर का कलर पीला क्यों होता है, तो ये स्लाइड तुमको आंसर देगा। लिवर इज डिवाइडेड इंटू द टू मेन लोब, द राइट एंड लेफ्ट, और जैसे अभी बताया था ये लिवर ऐसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, और जो डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं हम? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। राइट लोब ऑफ लिवर इज डिफरेंशिएटेड इनटू द राइट लोब प्रॉपर, मतलब और क्वाडेट लोब एंड कॉडेट लोब ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो दिस इज अ कॉडेट सर्फेस, इसे बेयर एरिया ऑफ लिवर कहा जाता है, बेयर एरिया ऑफ लिवर है ना, दीदी भैया पढ़ाते होंगे, बेयर एरिया ऑफ लिवर। बेयर एरिया ऑफ लिवर का मतलब होता है कि कॉडेट पार्ट होता है ना। इंटरनली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर आर हेपेटिक लोब्यूल्स विच कंटेनिंग द हेपेटिक सेल्स विच अरेंज टू फॉर्म कॉर्ड्स, छोटे छोटे कॉर्ड्स में ये रहते हैं, छोटे छोटे कॉर्ड्स में ये अरेंज रहते हैं। ईच लोब्यूल्स इज कवर बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। तो लिवर चारों तरफ से जो कवरिंग होता है, लिवर का जो कवरिंग होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं ना, दे आर कॉल्ड ग्लिसन कैप्सूल। लाइक ठोको वे, ग्लिसन कैप्सूल इज अ कैरेक्टराइज फीचर ऑफ मेमेलियन लिवर। सर तुम्हारे मेरे और चचा भैया दीदी जीजा फूफा में होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है। तो मतलब सर मामा बोले नहीं, अबे उसी में आएंगे, मेमल में ही आएंगे। द मेमेलियन लिवर इज ऑल्सो कंटेन द कुफनर सेल, किफनर सेल जो होते हैं फिक्स मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे आप शादी बड़े बड़े शादी में जाते हो गए तो वहां पे दरवान ऐसे भाला लेके बैठे रहते हैं कि तुम ऐसे घुस नहीं सकते है ना, तो वहीं पे रुके रहते हैं, उनको मन करे कि जाके चौमिंग और ब्रेड पकौड़ा खा लें तो बेचारे खा नहीं पाते हैं, वहीं पे कोई ला के देता है तभी खा पाए है ना, तो वहीं पे चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ठीक वैसे ही किफनर सेल्स है, वो लिवर में चुपचाप बैठे रहेगा, इसे मन करेगा चलो स्प्लीन से जाके थोड़ा हेलो हाय करके आ जाए कि स्प्लीन का क्या हालचाल है, स्प्लीन कैसे काम करता है ना, तो ये जा नहीं पाएगा, ये वहीं पे चुपचाप बैठे रहेगा, राइट, वहीं पे चुपचाप बैठे रहेगा। तो द मेमेलियन लिवर इज आल्सो कंटेन द किफनर सेल्स, दे आर फेगोसाइटिक इन सेल्स, दे ईट
डब्ल्यूबीसी आवसी बैक्टीरिया ये सबको ध्वस्त कर सकता है, किल कर सकता है, मार सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिवर। लिवर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन। द लिवर इज सिक्रीट बाइल विच इज कॉल्ड हेपेटिक बाइल, पीएच 8.6 होता है। द बाइल इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, है ना। बाइल कहां स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। एंड गॉल ब्लैडर बाइल पीएच 7.6। यूजली फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर इज अ हेपेटिक डक्ट, मतलब लिवर ने बाइल बनाया और हेपेटिक डक्ट से वो गॉल ब्लैडर में चला गया, वहीं पे नीचे ही रहता है, बना दे ये देखो ना, ये तो देखे ही हो गए कहीं, यहीं पे गॉल ब्लैडर रहता है ना। गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या करता है कि बाइल को कंसंट्रेट करता है, गाढ़ा करता है, क्या करता है, गाढ़ा बना देता है, और गाढ़ा बना के बाइल जो है फिर आगे भेज देता है। तो बाइल से ये गॉल ब्लैडर से जो निकलने वाला डक्ट होता है उसका नाम कोई बता सकता है, एनीवन कोई नाम बता सकता है गॉल ब्लैडर से निकलने वाला डक्ट? इट्स अ सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, डक्ट मतलब पाइप, है ना। तो यूजली फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर इज अ हेपेटिक डक्ट दे गोज इनटू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में किस किस लिए गया बेटा, ये फ्लो चार्ट में इसलिए बनाया ताकि समझ में आए, गॉल ब्लैडर में किस लिए गया बोलो, कंसंट्रेट होने के लिए गया। अब गॉल ब्लैडर कंसंट्रेट करके बाइल को फेंकेगा, किसके थ्रू फेंकेगा, सिस्टिक डक्ट के थ्रू फेंकेगा, सिक्सटे डक्ट, फिर वो बाइल डक्ट में आ जाएगा, ये बाइल डक्ट से मिलके और सीधा पेंक्रियाज के डक्ट से दोस्ती कर लेगा, जैसे तुम लोग दोस्ती बना लेते हो, एक दिन पढ़ने नहीं गए, पांच छह दोस्त बन जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया, हाँ बन गया, अरे हम आज नहीं आए थे, सर ने क्या पढ़ाया था, हाँ नोट्स दे देना। ऐसा लगता है कि नोट्स जो है पूरा सर का, अगर वो पूरे एक साल ना जाए ना तो नोट्स दे वो पूरे साल पढ़ सकते हैं, इतना ग्रेट ग्रेट माइंड है उन लोगों के पास, हाँ मतलब इतना जबरदस्त माइंड है कि नोट से पढ़ लेते हैं भाई साहब। हम लोग तो मतलब टीचर से पढ़ ही नहीं पाते थे, नोट्स तो बहुत दूर की बात है। खैर ये दिमाग बहुत आजकल बच्चों पे है, इसलिए नोट्स नोट्स नोट 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 नोट्स खाली चलाते रहते हैं। अब ये नोट हम टेलीग्राम पे भेजते हैं, इसका इम्पैक्ट तभी नजर आएगा जब आप मेरे क्लास में आओगे, क्योंकि मैंने खुद से लिखा है। जब आप मेरी क्लास में आ जाओगे तो ये नोट्स आपका हो गया, है ना, क्योंकि आपने समझ लिया। तो अब इधर से पेंक्रियाज, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से दोस्ती कर लिया, है ना, पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट ये बनके क्या बन जाएंगे, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो मतलब लीवर, पेंक्रियाटिक मतलब पेंक्रियाज, हेपेटो मतलब मान लो कि मेरा ये हाथ जो है ये हेपेटिक है और ये क्या है पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों आपस में ऐसे मिल गए और ये जो निकला है दिस इज कॉल्ड हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, समझ में आए। सो बाइल डक्ट इज कंबाइंड विद द हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट और ये एम्पुला ऑफ ड्यूडेनम में जाके खुल जाएंगे, यानी लिवर का जितना कंपोनेंट है वो पूरा ड्यूडेनम को मिलेगा, पेंक्रियाज का जितना कंपोनेंट है वो ड्यूडेनम के अंदर मिलेगा, इसलिए ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। डीएमिनेशन इज कैरिड आउट बाय द लिवर एंड इट इज द प्रोसेस इन विच द एमिनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द एमिनो एसिड्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं, उनको लगता है कि अमोनिया किडनी प्रोड्यूस करता है, अबे किडनी उसे बाहर निकालता है, किडनी उसे बाहर निकालता है, अमोनिया कहां प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज कहां प्रोड्यूस होते हैं, लिवर के अंदर। जोर से मेरे साथ बोलोगे, जितनी भी हमारे बॉडी के नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं कहां बनते हैं, लिवर के अंदर, और किडनी उसे बाहर निकालता है, किडनी उसको क्या करता है बाहर निकाल देता है, चलो बाहर निकलो, ठीक है। तो जितने भी हमारे बॉडी में अमोनिया या नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं लिवर बनाता है और उसे कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम यूरिया, यूरिया जो है किडनी उसे बाहर निकाल देता है, इसलिए हम यूरोटेलिक है, ठीक है, किडनी बाहर निकालता है, बनता कहीं और है निकलता कहीं और, समझ रहे हो, बनता कहीं और है निकलता कहीं और है, यही तो होता है। अब नहीं समझ में आया, अच्छा देखो समझाते हैं। मान लो कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, मान लो कि है ही है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH प्रोड्यूस किया, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका इफेक्ट कहां आता है, ओवरी के अंदर, देखो बनता कहीं और है और काम कहीं और कर रहा है, सेम यही तो है, बनता है यूरिया लिवर के अंदर, निकलता है किडनी के थ्रू, तो कमाल है, कमाल तो है ये।
इट कन्वर्ट द एक्सेस ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। अगर खूब दबा के ग्लूकोज खा लिया है तो लिवर को लगता है कि यार ये इतना काहे खा रहा है वे, है ना। तो लिवर बड़ा चलाक ऑर्गन है, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि उसको पता है कि ये जो है मतलब ये पक्का शादी में आया होगा इसलिए खा रहा है, या इसको फ्री में मिल रहा है तभी खा रहा है, ऐसे कोई थोड़ा ना खाता है भाई, है ना। तो लिवर बड़ा चलाक ऑर्गन है, वो क्या करता है कि उसे स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्योंकि लिवर को पता है कभी ना कभी ये भूखा मरेगा, कभी ना कभी ये भूखा रहेगा, तो उस समय जो ग्लाइकोजन इकट्ठा है वो यूटिलाइज होगा, समझ रहे हो। अब मान लो कि तुम पॉलिटिक्स में जा रहे हो, बड़ा अच्छा लगेगा कि डॉक्टर एस के सिंह के स्टूडेंट नेता बन गया, इतना अच्छा रहेगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो तुम पॉलिटिक्स में चले गए और भूखा रहना शुरू किया, भूख स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पर चले गए, तो लिवर को पता है कि जो है कभी भूखा मरने नहीं देंगे, भूखा रहेगा, तो उस समय ग्लाइकोजन जो है वो यूटिलाइज होगा। सो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन दे आर सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, राइट, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। आगे करते हैं, इट कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास के हम एंडोक्राइन पढ़ेंगे, पैंक्रियास दो चीज सिक्रेट करता है, एक को ग्लूकागन एक को इंसुलिन। ग्लूकागन से ग्लूकोज बनेगा, इंसुलिन से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, मतलब सारे सेल खींचेंगे। ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि मैं क्या करूं, अपने पॉकेट से 500 रुपया निकाल लूं, ठीक है, इस पॉकेट से 500 रुपया, इस पॉकेट से 500 रुपया, है ना, और ऐसे फेंक दूं, और तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो तो क्या करोगे, पट 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 उठाओगे, है ना। और मैंने कहा कि जो जितना उठा ले उसका हो जाएगा, तो ये 500 रुपया जो है वो इंसुलिन है और तुम लोग हो सेल पट 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 उठाने वाले। तो इंसुलिन क्या करता है कि सेल को कहता है कि फटाफट ग्लूकोज खींच लो, यानी मैं कह रहा हूं कि फटाफट ये 500 रुपया ले जाओ, तो वही है, हम बाद में एंडोक्राइन में पढ़ेंगे ये सारा चीज। सो इट कन्वर्टेड द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। लिवर परफॉर्म द प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू द अमीनो एसिड फैट व्हिच इज टेक प्लेस इनसाइड द लिवर। तो ये लिवर का काम है, ठीक है। लिवर परफॉर्म ग्लाइकोनियोजेनेसिस। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू, है ना। यूजली आपको पता है कि जो ग्लूकोज बनता है किससे बनता है, ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अगर कार्बोहाइड्रेट से ना बने, फैट से बने, लिपिड से बने, देख रहे हो, तो उससे ये अगर ये ग्लूकोज इससे बनना शुरू हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी लिवर के अंदर ही होता है। The liver performs the process of gluconeogenesis, that is formation of glucose or glycogen from the non-carbohydrate source, जैसे कि amino acid, fatty acid, glycerol. It also occurs in the kidney and stipated muscles. Muscle के अंदर भी ये घटनाएं घटती है। अच्छा, आज हम evolution शुरू कर रहे हैं, पता है तुम लोगों को, आज हम evolution शुरू करने जा रहे हैं, नया chapter है, new chapter है, new chapter. अनएकेडमी के ऊपर 8 बजे आज उपस्थित सारे लोग रहिएगा, है ना। इवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो दोनों जगह आना बहुत जरूरी है, अनएकेडमी में भी, यूट्यूब पे भी। द लिवर प्रोड्यूस, अच्छा नहीं पता, अरे यार कितना बताऊं मैं, देखो अनएकेडमी में क्या होता है, अनएकेडमी में मैं 12th क्लास पढ़ा रहा हूं अभी, है ना। तो अनएकेडमी में आपको फ्री क्लासेस होती है ना, अनएकेडमी में फ्री क्लासेस होती है, फ्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अनएकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे तो एक कोड पूछेगा कि भैया कोड लिखो। पूरे नीट यूजी में सबसे ज्यादा जो कोड चलता है वो डॉक्टर एस के सिंह चलता है, तो आप कैपिटल लेटर में डॉक्टर एस के सिंह लिख देना, ठीक है, और अनएकेडमी में आ जाना। जैसे अनएकेडमी में आओगे तो ये प्रोफाइल में जाके फॉलो भी कर लेना। और आज हम 8 बजे एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है इवोल्यूशन, ठीक है। और कल यानी संडे को मैराथन सीरीज होने वाला है अनएकेडमी के ही ऊपर, 3 घंटे के अंदर इवोल्यूशन को धुआं बना देंगे, ठीक है, तो वहां पे भी आना है। 3 महीना 3 घंटा रोजाना हमको देना है, बदले में हम 360 देंगे रोजाना, सुबह 9 बजे अनएकेडमी के ऊपर, शाम को 8 बजे अनएकेडमी के ऊपर, और यहाँ पे 11 बजे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, तो हाँ, इट इज ऑल्सो अकर इन द किडनी और मसल्स के अंदर। लिवर प्रोड्यूस द ब्लड प्रोटीन सच एज अ प्रोथ्रोम्बिन,
फाइब्रोनोजन दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है। यस महिमा जी, धीरज, डॉक्टर एस के सिंह, जहां जाओगे एक ही नाम नजर आएगा, वो डॉक्टर एस के सिंह। फाइब्रोनोजन दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करेगा। लिवर ऑल्सो सिक्रीट हेपरिन, हेपरिन सिक्रीट करेगा विच इज एंटी कोगुलेंट एंड सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम द बी कैरोटीन लिम्फ यूरिया एंजियोटेंसिनोजन। ये मैं क्वेश्चन पूछता था कि बेटा बताओ एंजियोटेंसिनोजन कौन सिक्रीट करता है, तो मुंह बना लेते हो, कहते हो कि लंग्स करेगा, अरे लिवर करेगा। एंजियोटेंसिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। नहीं, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, और फर्स्ट जो है सेकेंड में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो एंजाइम लंग सिक्रीट करेगा, बट एंजियोटेंसिनोजन लिवर सिक्रीट करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, और ये नीट में आया हुआ है। तुमको क्या लगता है कि ऐसे चुपचाप लिख दिए हैं? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सोना है, सारा सोना, सारा सोना तुमको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है? तो ये लिवर सिक्रीट करता है, इसको याद रखिएगा, नीट में आया हुआ है। ओल्ड वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स ब्रोकन डाउन इनटू द लिवर एंड हीमोग्लोबिन चेंज इन द बाइल पिगमेंट, यही है। लिवर ऑल्सो स्टोर ग्लाइकोजन, फैट्स, विटामिन्स, फैट्स एंड ए डी ई के, फैट सोलेबल विटामिन्स को स्टोर करता है। कैसे याद करेंगे फैट सोलेबल विटामिन बताइए? फैडक, फैडक, अरे अरे मिटेगा नहीं, फैडक, 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 ये एफ मतलब फैट, विटामिन ए डी ई के, ये सबको स्टोर करता है फैडक। विटामिन बी 12, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, ये भी स्टोर करेगा, देख रहे हो, सबको स्टोर कर लेगा, सबको स्टोर कर लेगा। रश्मि जी, धीरज, सक्सेस इज माय एम, सोना नहीं डायमंड है, अच्छा भाई साहब क्या बात। पेडक, गॉल ब्लैडर पढ़ लोगे? गला सूख रहा है। गॉल ब्लैडर की छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ के इंटरेस्ट होगा, बताओ जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा, कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बताइए। गॉल ब्लैडर बताओ, मतलब दो ही से बच्चे आ रहे हैं या तुम लोग बता नहीं रहे हो बच्चों को कि 11 बजे क्लास होती है? 11 बजे क्लास होती है, प्रीति, कविता नहीं बताते हो हैं? रश्मि बताया करो। चलो अगले क्लास में हम गॉल ब्लैडर करेंगे, और अगली क्लास लास्ट क्लास होगी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे आए, है ना, हमें 1000 बच्चा यहाँ पे इकट्ठा करना है, ठीक है।